नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी और धांसू खबरें निकल कर आई हैं अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानी एयरफोर्स ने जबरदस्त वापसी करते हुए तालिबान के ऊपर भीषण एयर स्ट्राइक कर दिए हैं। ऐसा कैसे हुआ है ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पंजशीर की घाटी भी तालिबान के कब्जे में आ गई है, लेकिन हालांकि अभी भी कई सारे छोटे छोटे इलाके जहां बचे हुए हैं जहां पर पंजशीर की सेना डटी हुई है। और एक बार तो यह है कि कुछ ही दिनों में तालिबान की सरकार भी बन जाएगी, लेकिन कल रात यहाँ पे युद्ध में बहुत ही बड़ा मोड़ आया है। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से तालिबान पंजशीर नेशनल रजिस्ट्रेशन के हेलीकॉप्टर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उन पर कब्जा कर रहे थे। और आप अभी भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पंजशीर के जो एयरक्राफ्ट थे पंजशीर में, इन पर तो तालिबान ने कब्जा कर लिया था। आपको याद हो तो मैंने एक से दो हफ्ते पहले भी आपको बताया था कि अफगानिस्तान की जो इतनी बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी सेना थी, वो आखिर कहाँ गई और इनके जो हथियार थे गए वो कहाँ गए, क्या सारे के सारे हथियार तालिबान के हाथ लग गए। तो दोस्तों, उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि अफगानी एयरफोर्स ताजिकिस्तान में है और यहां अपने 40 के करीब एयरक्राफ्ट लेकर चले गए हैं। कल रात अफगानी एयरफोर्स की ये जो लड़ाके विमान थे, ये वापस से अफगानिस्तान में आए हैं और पंजशीर में इन्होंने एयर स्ट्राइक्स करके ये लोग चले गए हैं। और इसे न सिर्फ तालिबान बल्कि पाकिस्तान भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी कमांडो भी वहाँ पर मौजूद थे और इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि यहाँ पर हैवी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में किया है ताजिकिस्तान में लौटते हुए। जी हाँ दोस्तों, इनके जो A-29 और AC-20 हैं, यह कल रात से पंजशीर के ऊपर बोर वहाँ पर आए और वहाँ पर बम गिराकर चले गए। और इस तरह की रिपोर्टें भी आई हैं कि तालिबान के पोजीशन पर इन्होंने स्ट्राइक करी, जिसमें कि तालिबान के कई सारे आतंकी मारे गए। आप स्क्रीन पर इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि इस तरह के सरप्राइज अटैक किया गया था कि पाकिस्तानी खुद इसे बहुत ही ज़्यादा भौचक्का रह गया। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अहमद मसूद ने कल कहा था कि उनका जो युद्ध है वो जारी रहेगा और हो सकता है कि अहमद मसूद और अमरुल्ला जो साले हैं, उन्होंने पूरे प्लान के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया हो। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।